सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश सीनेट 2024-25 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो फॉर्म अब आ चुका है उसे आप भर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट है 29 मई 2024। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के तहत जो है फॉर्म आता हुआ है, इसे आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये फॉर्म आ चुका है और यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलता है बीएससी नर्सिंग के लिए। ये जो फॉर्म है वो बीएससी नर्सिंग के लिए है। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 2 साल के लिए होता है। यहीं से आप रजिस्टर्ड कर पाएंगे, यहीं से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, यहीं से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करते हुए इसे हम डाउनलोड करते हैं और आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने है सीनेट 2024 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यह एकेडमिक सेशन 2024 के लिए फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस अफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट भी मिलेंगे और प्राइवेट भी कॉलेज मिलेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पे सबसे पहले नज़र डाल लीजिए, जिसमें 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुका था और ये 29 मई तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको 5 जून को मिलेंगे और 14 जून को इसकी एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्राइडे को। परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेंटर्स फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो रहेंगे वो आपके यहाँ पर 19 परीक्षा केंद्र हैं, शहरों में रहेंगे। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, आपका जो शहर हो उसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 19 हैं, 19 आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो यहाँ पर आप परीक्षा देने जाएंगे और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं रहेगा। एप्लीकेशन जो आप भरेंगे वो ऑनलाइन मोड से भरेंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब आइए नीचे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म की फ़ीस है उसे आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 3000 रुपये अनरिजर्व्ड एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए और 2000 SC ST एंड हैंडीकैप्ड के लिए। तो ये आपको ऑनलाइन मोड से ही देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 साल से आप बड़े हों तब फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है यानी जो फॉर्म को भरेंगे जिसके लिए रूल्स हैं, तो यहाँ 12th स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए वो इक्विवेलेंट हो, या तो 12th पास आउट हो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टर्म्स में, और या तो JNM कर रखे हों तो भी आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ये कैंडिडेट एंड मेल नर्स ट्रेनिंग फोर्सेस इम्प्लीमेंटेशन न्यू इंटीग्रेटेड कोर्सेस बिसाइड देयर रजिस्ट्रेशन के टर्म्स में है। आगे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है इसमें। एग्जामिनेशन मोड की बात करते हैं, जो 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11 बजे से 2:20 तक होगा, 200 मिनट का होगा। एडमिट कार्ड पर सेंटर आपका लिखा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, OMR बेस्ड होंगे, और वहीं पर आपको बॉल पॉइंट पेन, जो बॉल पेन है यानी जिसको आप डॉट पेन कहते हैं, वो आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा और एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 200 क्वेश्चंस टोटल होंगे यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, जो आप बात करते हैं कि जो मीडियम है वो पेपर का मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, 2200 क्वेश्चंस होंगे आपके। सेक्शन ABC 3 सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे, जिसमें ए सेक्शन में आपको जो मिलेगा, जो ए सेक्शन में होंगे वो 110 क्वेश्चंस होंगे, बी सेक्शंस के जो होंगे वो 60 क्वेश्चंस होंगे और सी सेक्शंस में 30 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर, आप समझ गए। तो सेक्शन ए जो है आपका, ये 5 सेक्शंस इसमें रहेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग के टर्म्स में। सेक्शन बी में बायोसाइंस, नर्सिंग फंडामेंटल्स, और सेक्शन सी में आपके कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। इस तरीके से 50% आपको लाना ही लाना होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जहाँ पर आप फॉर्म को चाहें तो भरना चाहें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मेंशन कर दी हैं, अगर और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।